हेलो हेलो, दिस इज असद सिद्दीकी और आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल का हलवा। और चने की दाल का हलवा अम्मा की रेसिपी से वीडियो कॉल पर हैं वो। और ये हमने चने उबाल लिए हैं दूध में उबाला है हमने। और ये अब हम इसको चॉप करने लगे हैं। सो लेट्स गेट टू स्टेप टू। अब हम चने की दाल को जो हमने बॉईल किया है, अब हम इसको दो हिस्सों में चॉप करेंगे ताकि ये बिल्कुल ऐसे पाउडरी टाइप कुछ हो जाए। इसमें हमने थोड़ा सा दूध डाल दिया और अब हम इसको थोड़ा सा स्टर कर रहे हैं ताकि ये सही से चॉप हो जाए। ऐसे ऐसे करेंगे ताकि ये सही से अपनी जगह पर चॉप होता रहे। काफी हो गया, सही है, हो तो रहा है। अम्मा से बात कर रहा हूँ लंदन में, वो मुझे बताई जा रही हैं कि कैसे होगा, क्योंकि मसला ये हो गया है कि ये चॉप नहीं हो रहा। तो उन्होंने बताया है कि इसमें थोड़ा सा दूध डालो ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए। एक्चुअली हमने क्या किया है कि हमने छोटा चॉपर लगा लिया इनकी हरकत की वजह से। इन्होंने हमें छोटा चॉपर दे दिया, ये बड़ा चॉपर चाहिए था। तो अब हमने एटलीस्ट ये वाला तो करना ही पड़ेगा इसके अंदर। बट ये हो रहा है, काम हो रहा है अम्मा, हो रहा है काम थोड़ा थोड़ा सा। आटे की तरह होना चाहिए, दाल हाथ में नहीं आए, ये बिल्कुल आटा बन जाएगा। ओके ओके okay. बोल निकाल, बोल बोल लेकर अभी इसको एक दफा और करना है। अम्मा पानी नहीं, पानी ऐसे करना है हमने। ये सारे बिल्कुल आटा बन गया, ये बिल्कुल आटा बन गया अम्मा। सही पानी डाला है इसके अंदर क्योंकि सारा दूध जो चिपका हुआ है। तो अच्छी तरह हिलाओ, चमचे से कूचो, सारा पानी डाला लो, डाल लो। ठीक है, अब ये राउंड टू है। एक पहले हमने आधा चना किया चॉप, अब ये बाकी आधा हम चॉप कर रहे हैं। अब हमने घी डालना है इसके अंदर, दूसरी पतीली लेंगे और घी, असली घी डालेंगे इसमें हम। वो कहा है चमचा का है, ऐसे घी नहीं निकालेंगे यार, हम ये चम्मच से घी निकालेंगे, इस चम्मच से घी, ये चम्मच से हम घी निकालेंगे। ये जी घी डल रहा है इस वक्त, दो हमने बड़े बड़े घी के चम्मच डाले हैं। ठीक है माँ, अब हम ये घी गरम करेंगे हल्की आंच पे, हल्की आंच पे ना अम्मा। ओके, अब ये तो हो रही है। ये चार इलायची है, ये अब हम क्या मतलब है? दाना नहीं निकालते हैं। तो मैं साबुत डाल देता हूँ, मैं चले साबुत डाल देता हूँ। पांच पांच साबुत डाल देनी है, लौंग भी डालनी है, तीन चार लौंग डालनी है, तीन से चार, एक दो तीन चार,
अब हमने इसमें तेल घी गरम किया, इसमें 4-5 साबुत इलायची डाल दी छोटी वाली और 4 हमने लौंग डाल दी। अब अम्मा, हाँ ये भी तो करना था, इसको तो भूल ही गए। That was quick. अम्मा की बात माननी चाहिए। कह रही है भाई ग्लास हटा लो, हाथ लगेगा तो टूट जाएगा। अच्छा तो अब क्या है कि जी हमने चने सारे पीस लिए और अब हम इसको मिला रहे हैं। जितनी देर हमारा घी लौंग इलायची गरम हो रही है हम इसको मिलाएंगे अच्छे तरीके से, जैसे अंडा फेंटते हैं ना। मुझे भी जैनब ने बताया है कि आप ये भूल रहे हैं, तो जैसे अंडा फेंटते हैं, अंडा तो ऐसे फेंटते हैं, तो ऐसे ही फेंटेंगे हम। इसको खाएंगे हुमस तो चने का ही बनता है ना बेटा, हुमस वाला टेस्ट तो आ गया, बस इसमें से तहीनी डालनी है अब, और तो कुछ भी नहीं। तो मैंने दो 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 चीजें बता दी, अगर जिसने हुमस खाना है इसमें थोड़ी सी और तहीनी मिलाए और हुमस बन जाएगी, और ऑलिव वगैरह ये ऑलिव ऑयल वगैरह सब कुछ डाल के हुमस बन जाएगा, और जिसने चने का हलवा बनाना है वो फिर वेट करे। अभी हुमस वाले लोग यहाँ तक काफी है। अच्छा खासा पीट गया। क्या चीज ये नहीं है ये ये अम्मा ये 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 रहा, ये चम्मच चाहिए जिससे पिटाई होती है। हाँ अम्मा देखे ये क्या करूँ, हम निकाल लेंगे अब इसको, पकड़ेंगे तो नहीं तो हम इसको ऐसे गिरा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अभी चूल्हा बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा तेल, अभी बहुत गर्म हो गया, तेल ठंडा हो जाए, तेल थोड़ा ठंडा हो जाए। इलायची रहने दें और लौंग हमने हटा दी है अब इसमें से। अब अच्छा भाई आहिस्ता हम क्या करेंगे कि दाल डालते हैं। मेरी अम्मा कह रही है कि एक हाथ से डालो और एक हाथ से हिलाओ, कैसे ये कैसे होगा, इसके लिए तीसरा हाथ चाहिए। अम्मा ऐसे नहीं हो सकता। अम्मा आपको पता है आप मेरे YouTube चैनल पे आ रही है सर। ये देखिए ऐसे करूं, ऐसे ये आहिस्ता आहिस्ता सब डालते रहे और एक हाथ से हिलाते रहे, याद रहे एक हाथ से डालना है और एक हाथ से हिलाना है, तीसरा हाथ की जरूरत नहीं है, तीसरे हाथ की आपको जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन मेरा दिल नहीं है सब हाथ से करने का, स्पैचुला दो यार। अम्मा कह रही है ऐसे ऐसे ये, ओए होए होए यही तो बात है अम्मा, आप ठीक कहती हैं यार, ये अब हो रहा है सही से साफ भाई। अम्मा की नहीं नहीं ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया यार, जबरदस्त हो गया यार, इससे आप पतीली में भी पका सकते हैं। अम्मा कह रही है लेकिन वो तो बंद है अम्मा, चूल्हा बंद है लेकिन अभी अब भाई अब बहुत मुश्किल वाला काम शुरू होने वाला है, क्योंकि ये सब तो हो रहा था मजाक, अब होगा काम असली शुरू जब आपने भूनना पड़ेगा इसको। और ये
एक घंटा लगेगा इसको पकने में आराम से। अम्मा बता रहा हूँ जो आपने बताया है, मैं सबको बता दूँ ताकि चूल्हा जलाएंगे। कम चूल्हे पे कम चूल्हे पे। अम्मा आप क्या करूं, वो हो गया। आंच और कम कर दो, आंच और कम कर दो। आंच देख ले अम्मा, चूल्हे की आंच देख ले, और हल्की। ओके, इतनी हल्की आंच, थोड़ी सी तेज कर देते हैं भाई। अब अपने आप को मुंह बचाना है, कपड़े बचाना है, क्योंकि जैसी जैसी ये सूखता रहेगा ये उड़ता रहेगा। अभी भी उड़ना शुरू हो गया है ये, तो मैं अब थोड़ा दूर होऊंगा। उछलेगा दाल, उछलेगी भाई दाल, उछलेगी। अब तो अब आप लोग बचा के रहें अपने आप को जब ये सूखेगा। अब यही करते रहने अम्मा, ये जो मैं कर रही हूँ। तो अगर आप अकेले हैं तो आप अकेले करते रहें एक घंटे तक ऐसे ऐसे, नहीं तो अगर आपके पास वाजिद है तो वाजिद एक घंटे तक ये करता रहेगा, और हम एक घंटे बाद आके मिलेंगे फिर से। ये लगना नहीं चाहिए भाई नीचे, अम्मा कह रही है नीचे लगना नहीं चाहिए, इसलिए इसको भूनते रहना है, भूनते रहना है, भूनते रहना है। ये ओ हो, ओ हो, ये उड़ना शुरू हो गया अम्मा। ओके, अब इसको हम तवा रखेंगे जलने से बचाने के लिए। हमने नीचे तवा रखा है और उसके ऊपर हम ये करते रहेंगे। अब चूल्हा तेज कर देंगे। और अब आप वाजिद को खड़ा कर देंगे, वो एक घंटे तक भूनता रहेगा, और हम एक घंटे बाद आएंगे, देखेंगे फिर क्या करना है। स्टूल रख के बैठ जाओ, मेरी अम्मा ये बता रही है हमें, और ये जैनब है पीछे, और ये मैं हूं। अभी अंडे भी पड़ेंगे भाई, अंडे भी पड़ेंगे, और क्या पड़ेगा। चार अंडे फेंट के पड़ेंगे ये, और जब ब्राउन हो जाएगा तो उसमें चीनी डलेगी। एक घंटे बाद हम आएंगे चीनी डालने, ऐसा ही है जब ब्राउन हो जाएगा। चीनी नहीं डालेंगे अभी, टाइम देखें, 12 बज रहे हैं रात के इस वक्त। चीनी अभी डाल दी तो हलवे का रंग पीला रहेगा, तो इसको ब्राउन होने का हमने वेट करना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जैनब को भी अब कुछ खाना है और मुझे भी कुछ खाना है, और प्यास भी लग रही है। उसे एक गलती ये हो गई है कि हमने बोला था हमारी टीम, आओ आयशा इधर आओ, ये आयशा है और ये वाजिद है। इनको मैंने रात में बोला था कि एक ना चने भिगोने हैं, इन्होंने ये भेजा है, ये इतने से चने, मतलब इतनी मेहनत और इतने से चने, जो कि अब मुझे पता चला। तो अब जितने चने होंगे उतनी ही चीनी होगी, इसलिए अब हम ये चीनी लेंगे और हम इसको इसका पाउडर बनाएंगे चीनी का, क्योंकि अब देखिए कलर भी आने लगा है। चीनी का पाउडर बना रहे हैं हम। चॉप जी अम्मा, ओके, तो अब क्या हुआ जी, ये कलर आ गया, ब्राउन कलर आ गया, और अब हम चीनी जो हमने इसको पाउडर बनाया था जी जी, अब हम ये डाल देंगे चीनी। सारी डाल दूं अम्मा, अच्छा जी, अब हमने इसमें डाल दी है चीनी, और अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, क्योंकि कलर तो बड़ा ज़बरदस्त आ गया है। चीनी का जो हमने पाउडर बनाया था अब वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे कि कलर थोड़ा और मज़े का हो जाए, और अभी चखेंगे, चख के देखेंगे कि क्या ये ठीक मिठास इसकी सही है या नहीं है।
अच्छा तो अब हमने क्या किया है कि इसमें हमने चीनी डाल दी है और अब हम इसको भून रहे हैं। अभी ये सूख गया है इसके अंदर, लेकिन अब हमने उसको उस वक्त तक भूनना है कि जब ये अपना दोबारा से घी खुद से निकलना शुरू नहीं हो जाएगा इसके अंदर, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसमें डाल दी है चीनी और अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे क्योंकि कलर तो बड़ा ज़बरदस्त आ गया है। चीनी का जो हमने पाउडर बनाया था अब वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे कि कलर थोड़ा और मज़े का हो जाए और भी चखेंगे। अच्छा तो अब हमने क्या किया है कि इसमें हमने चीनी डाल दी है और अब हम इसको भून रहे हैं। अभी ये सूख गया है इसके अंदर, लेकिन अब हमने उसको उस वक्त तक भूनना है कि जब ये अपना। अच्छा जी, तो ये हलवा तकरीबन बन चुका है, अब मैं इसको टेस्ट करूँगा। बेहतरीन बना है, काश कि मैं आप लोग को चखा सकता होता। ओए 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 ओए, हाँ जी, ये बन गया हमारा चने का हलवा। हाँ ये देखें, चने का हलवा।